हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक्सरसाइज कौन सी है। एक्सरसाइज है 4.6 का। तो क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स के हिसाब से, इनवर्स के हिसाब से हम फाइंड करते हैं वो। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए हो जाएगा 2 1 1, 2 1 1, 1 -2 -1, 1 -2 -1, 3। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है, तो देखो इसको रीराइट मैं ऐसे कर सकता हूँ, 0x + 3y - 5z इज इक्वल टू 9। तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये -5 हो गया। ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ये बी क्या हो जाएगा, 1 3/2 9, जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 3/2 एंड ये 9। ओके, तो अब सबसे पहले अगर हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट देखो, ये 0 डिटरमिनेंट निकाला मैंने, ये इसके लिए साइन प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 -5 -2 क्या हो जाएगा, 10। 3 1 ज़ा 3, बट माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये -1। इसमें क्या एक्सपेंशन होगा, -5 - +0 1। इसमें क्या ऑप्शन होगा, एक्सपेंशन होगा 3 - ये 0। तो इस हिसाब से हमें 2 × 13 + 5 + 3 इज इक्वल टू 34, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जब तक हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स था, तो हमने सिर्फ वो 2 × 2 में क्या करते थे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते थे और इन दोनों की साइन चेंज कर लेते थे, वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे चलती थी। बट अब यहाँ पे हमें अगर ए इनवर्स चाहिए, तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपके पास सारे ही कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैंने निकाले हैं, दैट इज अगेन वेरी इजी। क्या करते हैं हम कोफैक्टर में, आपको पता है कि पहले सबसे पहले साइन लगा देते हैं, और ये साइन कैसे आती है वो भी आपको पता है कि -1 to the power यहाँ पे i + j, रो और कॉलम का एडिशन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही पावर ऑड हो जाती है तो साइन नेगेटिव आती है सब जगह पे, और पावर जैसे इवन हो जाती है तो साइन क्या आती है, पॉजिटिव। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट के लिए आप कोफैक्टर निकालते हो, उसके लिए वो रो और कॉलम को इग्नोर करना है। सपोज ये 2 के लिए हम कोफैक्टर निकालें, तो ये इग्नोर करो, ये इग्नोर करो, क्या दिख रहा है मुझे, ये वाला। तो ये डिटरमिनेंट निकालो, मतलब कि -5 × -2 दैट इज 10, 3 × -1 दैट इज -1, और दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब भी 10 + 3 = 13। अगेन ये 1 के लिए क्या करेंगे हम, -5 + 0, क्योंकि 1 के लिए आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा, -5 0, तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये 1 के लिए क्या इग्नोर करोगे, ये दोनों, तो ये 3 - ये 0 ही है, तो 3 रहेगा। तो इसी हिसाब से मैंने सारे कोफैक्टर निकाले। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बराबर। फिर ये कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट क्या होता है कि कोफैक्टर जितने भी निकाले हैं उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब ये सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है, देख लो आप, ये फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर निकाले, 1 1 1 2 1 3, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, कॉलम में। तो देखो मैंने कॉलम में अरेंज किया, 13 5 और 3। फिर इसको, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, मतलब यानी कि कोफैक्टर निकालने के बाद हमने जो ट्रांसपोज करना था वो सीधा ही मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट मेरा मिला था मुझे 34, तो 1/34 करके ये पूरा ही एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है मैंने। देखो ये मैं अंदर मल्टीप्लाई पहले मैंने करने का ट्राई किया था, बट फिर एक चीज़ दिमाग में आई कि ये अंदर अभी मल्टीप्लाई मत करो, फाइनल आंसर जब आएगा तब करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा कैलकुलेशन आपका और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू बी, ये आपको पता ही है। तो ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स में आप ये 1/34 आगे ही रख सकते हो ऐसे ही, तो ये 1/34 एज इट इज़ है, ये वाला भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये मेरा बी है, बी मैट्रिक्स, जो आपको पता है कि यहाँ से मैंने लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 13 1 ज़ा 13, ये 1/34 आगे ही है, 8 × 3/2, तो 8 × 3/2 दैट इज़ क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और 1 9 ज़ा 9। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ कि ये 3 × 3 का है और ये 3 × 1 का है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि है, तो आंसर हमारा 3 × 1 का मिलेगा, जो यहाँ पे है 3 × 1, मतलब
कि तीन रो होनी चाहिए और कॉलम एक ही होनी चाहिए। अगेन 5 1 5 -10 × 3/2 तो 15 हो जाएगा, क्योंकि -10 × 3/2 ये 5, यहाँ पे 5 3 15 तो -15, 3 3 3 9 27, 3 1 3 -6 × 3/2 -6 × 3/2 तो ये क्या हो जाएगा 3 3 3 9 माइनस और -5 -45। अब यहाँ से ही देख लो 13 + 12 25 + 9 34 हो जाएगा, ये वैल्यू 34 होगी। मैं वहाँ पे दिखाऊंगा बट ये छिप जाएगा, नहीं दिखेगा, इसलिए 5 -10 15 तो -10 + 27 तो क्या हो जाएगा 17। और ये 3 - 9 -6 और -6 -45 दैट इज -51। तो आप ऐसे याद रख लो, ये होना चाहिए अपना कितना 17, ये कितना होना चाहिए -51, और आगे तो 34 है ही, 1/34। सी एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1/34, 34, 17, 51। और ये एक्स क्या है, एक्स हमें पता है कि ये पूरा अपना एक्स वाई जेड है बराबर। ये 34 अब डिवाइड कर दो तो 34/34 1, 17/34 1/2, 51/17 ये ऐसे होगा -51/34, 17 3 17 2 तो -3/2 बचेगा। तो ऐसे ही हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है 1, वाई की वैल्यू मिल जाती है 1/2, जेड की वैल्यू मिल जाती है -3/2। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, मैंने बीच में क्वेश्चन स्किप किए हैं, आपको वो खुद से करने हैं और वो अपने रिकॉर्ड में भी रखने हैं, मतलब आप बनाओगे नोट्स उसमें भी आपको रखने हैं, तो ताकि आप चेक कर सको कि ये जो मेथड मैंने समझाई वो आपको समझ में आई या नहीं आई, तो खुद से चेक कर लेना। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़, कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज़, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पर kg, 1 kg का प्राइस क्या होगा और यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है ऐसे बहुत सारे हमने जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए हैं, इसमें कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाने होते हैं और फिर वही इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले ये कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे और वही इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्वेश्चन तो जो ये आगे वाले थे वैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो देखो क्या लिखा है मैंने कि लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन व्हीट एंड राइस पर kg बी x रुपीज़ y रुपीज़ एंड z रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। क्या लिया हमने कि ऑनियन 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा x रुपीज़, व्हीट 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा y रुपीज़, और राइस 1 kg की प्राइस क्या हो जाएगी z रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अब हमारे पास तीन सिचुएशन थी कि 2 kg राइस हो जाएगा, 3 kg व्हीट हो जाएगा और 4 kg ऑनियन। तो 4 kg ऑनियन के लिए हम 4x लिख सकते हैं, 3 kg व्हीट के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3y, और 2 kg राइस के लिए 2z, और उनका सम क्या हो जाएगा 60 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, मतलब 2x कॉस्ट ऑफ 6 kg, सॉरी 4 kg व्हीट तो 4y एंड 6 kg राइस तो 6z इज इक्वल टू उसका कॉस्ट 90 दिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे दिया है थर्ड कंडीशन में कि द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, तो 6x ऑनियन, 2 kg व्हीट 2y एंड क्या हुआ ये 3 kg राइस तो 3z इज इक्वल टू 70। तो ये तीन इक्वेशन बन गए। अब सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में दिखाया है, बट वैल्यू जो लिखी है वो आप वेरीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो पहले ax इज इक्वल टू बी वाले फॉर्म में लिखने के लिए पहले a लिखा है, जो कि क्या हो जाएगा 4 3 2 तो 4 3 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा 2 4 6 तो 2 4 6। थर्ड इक्वेशन क्या है 6 2 3, 6 2 3 xyz, और यहाँ पे ये गलती है, देखो यहाँ पे क्या आएगा p में हम क्या लिख सकते हैं 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70। ओके तो देखो डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें पहले वो ही चेक करना है ताकि ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो पता चले। तो डिटरमिनेंट मेरा क्या मिल रहा है मुझे, ये डिटरमिनेंट मुझे मिल रहा है 50, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। अब यहाँ पे इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे पहले को फैक्टर निकाले थे, वैसे ही आपको पहले अलग से को फैक्टर निकालने हैं, फिर उसको ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखना है। जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है वो आपको खुद से समझ लेना है कि कैसे लिखे हैं।
यहाँ पे जैसे दिखाए वैसे ही है, आप ट्राई करके चेक कर सकते हो। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में मैं वैल्यू लगाऊँ मैं, तो मुझे पता है कि ए इनवर्स मेरा क्या हो जाता है। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इज नथिंग बट एट जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जबकि एट जॉइंट ऑफ ए इधर है और डिटरमिनेंट मेरा क्या है 50 है, ये रहा। तो 50 मैंने यहाँ पे देखो एट जॉइंट ऑफ ए के आगे मैंने क्या लगाया, ये डिटरमिनेंट, ताकि ये पूरा मेरा क्या दिखना चाहिए मुझे, ये ए इनवर्स है और ये मेरा बी है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1/50 मैंने आगे ही रखा है, ये 0 × 60 तो क्या हो जाएगा 0, 5 × 90 450, 10 × 70 दैट इज 700, ये 450 माइनस है और 700 क्या है प्लस है, 30 × 60 1800, 0 का कुछ नहीं होगा, −20 × 70 −400 1400, −20 × 60 −1200, 10 × 90 +900, 10 × 70 +700, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 1800 −1400 400, ये हो जाएगा 1200 +900 +700 दैट इज 400। आगे 1/50 है, 50 से डिवाइड करोगे तो 588 मिलेगा, मतलब एक्स की प्राइस मिल जाएगी आपको 5 रुपीज़, वाई की 8 रुपीज़ और जेड की 8 रुपीज़, मतलब कि एक्स क्या हमने अज्यूम किया था, एक्स जो है ऑनियन की प्राइस हो जाएगी 1 kg की 5 रुपीज़, फिर वीट का 1 kg का प्राइस हो जाएगा 8 kg एंड देन सॉरी 8 रुपीज़, एंड देन राइस की 1 kg की प्राइस हो जाएगी 8 रुपीज़। तो आपको इसमें थोड़ा इससे देख देख कर अच्छे से लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे बताया। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।